आज मकर संक्रांतीच्या पावन पर्वावर शिवमंदिर देवस्थान पंच कमिटी संस्थान टेलर लाईन छावणीच्या वतीने मकर संक्रांती महोत्सव साजरा करण्यात आला. या दरम्यान टेलर्स लाईन परिसरातून भगवान शिव गरुड महाराजांची भव्य दिव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. यात्रेदरम्यान भक्तजनांकडून दहीहंडी देखील फोडण्यात आली. इस परंपरा को मिनिमम जो है 74 साल हो गए हैं, उस काफी पहले से ही है. जब तक हमारे जो पिताजी थे बहुत छोटे छोटे, तब से ही शुरू होती आई, तो कम से कम इसे 74 साल कम्प्लीट हो गए. विशेषता ये रहती है कि जो ये जो मकर संक्रांति जो लोग मनाते हैं, पोंगल लोहड़ी, तो हमारा जो रहता है मेन, हमारा पोंगल होता है. हम साउथ इंडियन है तो हम लोग यहाँ पे पोंगल मनाते हैं. तो पोंगल में हम लोग शोभा यात्रा इसलिए निकालते हैं कि इस दिन जो है गरुड़ महाराज अपने मतलब वाहन बन के राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी को वापस लेकर आए थे. तो इसी तरह से ये जो है हम मनाते हैं पोंगल का. मनाते हजारों लोग, ये नहीं, हमारे जो समाज है छत्री समाज का, साउथ जो लोग हैं हम लोग, यह सब जन आते हैं. सभी जन बेसब्री से इंतजार करते हैं इस दिन का. अरे एकदम बता नहीं सकते, सुबह से तैयारी रहती है. हमारे घर में भगवान धोना, उनको नैवेद्य चढ़ाना. आज खास हमारे घर में खिचड़ी बनती है और जो मिक्स सब्जी रहती है सब मेरा मिला के बताते हैं हम लोग. ये शोभा पूरी छावनी है, पूरा राउंड लगाती है. फिर अंत में आरती होके दही हांडी फोड़ के भगवान अपनी जगह पे विराजते हैं. ये पूरा एक महीना चलता है. आज के दिन शोभा यात्रा निकल के फिर वो बंद हो जाते हैं. ये परंपरा 100 साल से पीढ़ी की पीढ़ी हमारे दादा के दादा लोग ये करते हुए आ रहे हैं. इधर पे पूरा समाज हमारा धरती समाज है, छत्री समाज है. और ये तिरुपति बालाजी का, गरुड़ महाराज का ये झांकी निकलती, जो बालाजी का जो मंदिर है, 14 को संक्रांत जो मनाते हैं, पोंगल बोलते हैं हमारे तेलुगु भाषा में, पोंगल बोलते हैं. और ये बहुत बड़े पैमाने से ये हमारे कामटी से, छावनी के, मानकापुर के, चंद्रपुर के, बाहर बाहर के लोग इधर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये शोभा यात्रा में सब शामिल होते हैं. और कल बहुत बड़ा महाप्रसाद होने वाला है इधर, और बड़ी संख्या में लोग आते हैं. बड़े उत्साह से मनाते हैं प्रोग्राम हमारे पोंगल का त्यौहार. बड़े धूमधाम से हम सब भाई लोग, बहनों लोग मिलके सभी करते हैं. आज सब समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं. हमारे छत्री समाज की तरफ से ये परंपरा 1941 से चल रही है. हमारे गरुड़ महाराज है जिनकी हम इनकी यात्रा निकालते हैं 1941 साल से. और यहाँ पर छत्री समाज दर्जी जो है इनको 1901 से अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ लाया गया था हैदराबाद से. तब से हम यहाँ पे विस्थापित लोग हैं और यहाँ पे हमको हर फैसिलिटी मिलती है. और हम हर पोंगल के त्यौहार में, 14 जनवरी के त्यौहार में ये यात्रा निकालते हैं. हमारे गरुड़ महाराज जी को इस महल से, मंदिर से निकाल के भ्रमण कराते हैं और यह त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके लिए हम लोग इसको पोंगल कहते हैं. इस त्यौहार में हमारे नागपुर के पूरे समाज के लोग आते हैं, जिसमें कामटी, जरीपटका और जिंगाबाई टाकली और मानकापुर, ऐसे एरिया से पूरे नागपुर में जहाँ जहाँ भी हमारे लोगों के लोग बसे हुए हैं, उन लोगों का हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं. और सभी लोग इसमें उत्साहपूर्वक आकर के इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करते हैं. बहुत इंतजार रहता है. बहुत से हमारे समाज के लोग जो साल भर हमारे बीच नहीं आ पाते हैं, वो सभी लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं. और वो इस दिन बिल्कुल अपना समय निकाल के, बिजी शेड्यूल निकाल के इस त्यौहार में आने का पूरा व्यवस्था करते हैं और आते ही ज़रूर है. हमारा नाम टोनी मारचट्टीवार है, भारत बिल्डिंग से ताल्लुक़ रखते हैं. हमारे गणेश मंतापुरवार जी है, हमारी माता जी है सिंगोवार जी, बड़े भैया है अजय मारचट्टीवार जी, अमर सिंगेवार जी, सोमेवार जी है, और हमारे बड़े भैया है डोमगुलवार जी. गरुड़ महाराजांची ही भव्य शोभा यात्रा संपूर्ण छावणी परिसरातून काढण्यात आली. मागील 1000 वर्षांपासून छत्री समाज बांधवांच्या माध्यमातून ही परंपरा सुरू आहे. एका महिन्यापर्यंत चालणाऱ्या या पोंगल महोत्सवात लहान मुलांपासून तर वयोवृद्ध नागरिकांनी देखील मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदविला. आज भगवान गरुड महाराजांच्या शोभायात्रेत हजारोच्या संख्येने भक्तगण सहभागी झाले होते. कॅमेरामॅन प्रवीण दुपारे सह सरी भोंगाडे, शकना न्यूज, नागपूर. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट,
तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshospital.com।